आज हम आपको सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता की एक व्याख्या बताएंगे। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक प्राकृतिक मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सब को आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क पर नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। प्रस्तुत अवतरण सरदार पूर्ण सिंह के आचरण की सभ्यता निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने मानव जीवन में आचरण के विकास को प्रमुख उद्देश्य के रूप में उद्घाटित किया है। लेखक का कथन है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने आचरण का विकास करना है। आचरण के विकास से ही मानव जीवन की सार्थकता है। इस संसार में आचरण के विकास के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। ये सामग्री शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप में संसार के विभिन्न पदार्थों में विद्यमान है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आचरण का जैसा विकास करना चाहता है वह उसी प्रकार की सामग्री की सहायता ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का विकास एक जैसा नहीं होता है और किसी श्रेष्ठ पुरुष के आचरण की नकल करना भी लेखक ने अनुचित बतलाया है। इस कारण लेखक का मत है कि केवल एक पुरुष के आचरण के लिए ही नहीं अपितु एक जाति के आचरण के विकास के लिए भी नाना प्रकार की सहायक सामग्री पर विचार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की तरह प्रत्येक जाति का और प्रत्येक समाज का आचरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसके लिए मानसिक या सांसारिक सामग्री भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मानव के आचरण के विकास के लिए अनेक कर्म अपनाए जा सकते हैं। लेखक की दृष्टि में उन सब कर्मों को आचरण का निर्माण करने वाले धर्म या तत्व के रूप में मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि ऐसा कार्य करने से ही आचरण का विकास होगा। संसार के बड़े बड़े से महात्मा भी ऐसा निर्देश नहीं दे सकते। वैसे भी आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने का पथ सबके लिए एक नहीं हो सकता और कोई महात्मा स्वयं भी दूसरों के बताए रास्ते से अपने आचरण का विकास नहीं कर पाया है। उसने तो अपना मार्ग स्वयं बनाया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के विकास के लिए स्वयं ही अनुकूल सामग्री का संकलन करना चाहिए।
इसमें विशेष बात यह है कि महापुरुष आचरणशील बनने के लिए दूसरों की नकल नहीं करते हैं। ऐसा आचरण ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तुतः मानव अपने आचरण में स्वयं ही सुधार कर सकता है। जीवन का परम उद्देश्य आचरण का परिष्कार होना चाहिए। भाषा सरल, ललित एवं प्रवाहपूर्ण है। शैली विवेचनात्मक एवं भावात्मक है।